मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अगर मैं मान लूं कि अगस्त में एग्जाम हो रही है, ठीक है, और ये जो वीडियो है ये खासकर सी सेट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, अगर मैं ये मान लूं कि भाई अगस्त में एग्जाम हो रही है, तो सी सेट के बच्चों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, और इन जनरल बच्चों, क्योंकि फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे अगस्त में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी बात कर लूं मैं, कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि सी सेट के बच्चों के लिए मैंने कभी कोई वीडियो बनाया नहीं है, तो काफी डिमांड कर रहे थे कि सर हमको भी पढ़ाई का स्केड्यूल बता दीजिए। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहां पे बताऊंगा कि इफ यू हैव ज्वाइंट क्लासेस, तो आपको पढ़ना कैसे? और दूसरा है बच्चों, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना कैसे? हालांकि चलिए बच्चों, तो अगर आपने क्लासेस लगाई हैं तो बच्चों ध्यान से देखिए। अब अगर आपने क्लासेस लगाई हैं तो आपको सी सेट का सिलेबस, शुरू में हमको लगता था कि यार ये तो ऐसे ही है, 1 महीने में खत्म करा देंगे। जब पढ़ाने को आए तो हमने देखा कि 4 सब्जेक्ट के लिए कम से कम 250 लेक्चर्स लगते हैं, या अराउंड 200 के आसपास लेक्चर्स होते हैं बच्चों। मतलब पढ़ना बहुत है, ऐसा नहीं है कि सी सेट में पढ़ना नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, मतलब 200-250 घंटे की क्लासेस होती है पूरी सी सेट की। तो मैं चाहूंगा दिन में जुलाई 15 तक कैसे भी ट्राई कीजिए सिलेबस खत्म करने का, ठीक है? अभी तो हमारा भी सिलेबस चल ही रहा है, और हमारा सिलेबस हम उम्मीद करते हैं कि जून 30 तक सिलेबस हम खत्म करेंगे, बट स्टिल मैक्स टू मैक्स जुलाई 15 तक सिलेबस खत्म कर लीजिए, ठीक है? तो पढ़ना कैसे है? मॉर्निंग में 8 o'clock पढ़ने बैठना है। यू नीड टू सिट फॉर स्टडीज एट 8 AM। आप 5 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे उठ सकते हैं, 7 बजे उठ सकते हैं, बट मैं अभी चाहता हूं कि लॉकडाउन है, काफी स्ट्रेस्ड है, तो थोड़ा ज्यादा सोइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 7-7 बजे आप उठ जाइए, 7 से 8 में जो भी अपनी नित्य क्रिया है वो कर लीजिए, और 8 बजे पढ़ने बैठ जाइए। 8 to 9 1 hour, 9:30 to 10:30 1 hour, यहां पे उठाइए लीगल एप्टीट्यूड, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया मैंने आपको, टाइम पास कर लीजिए। यहां पे उठाइए इको एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सिर्फ इको उठा लीजिए, ठीक है? ये चलने दीजिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये चलने दीजिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे बच्चे। नहीं तो ये सिलेबस, ये वाला टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम टेबल है। उसके बाद 11 to 3 इसमें अपने लेक्चर्स देखने का काम कंप्लीट कीजिए। 11 से 3 में लेक्चर, स्लीप, सोना वोना जो भी आपका, ये 4 घंटों में आपको निपटाना है। मतलब 2 घंटे के लेक्चर हो गए, 1 घंटा खाना हो गया और 1 घंटा सोना हो गया, ठीक है? अब 4 बजे उठ जाइए, 4 से 5 टीवी देखिए आराम से। 5 to 6 में या अपना सबसे फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये उठाइए, ठीक है? और 6 to 7 में आपका इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये एक ऐसा स्केड्यूल बना लीजिए। तो लीगल एप्टीट्यूड हो गया आपका। अब ये मंडे ट्यूसडे ये एवरीडे है ना, लॉजिकल रीजनिंग एवरीडे है, इंग्लिश पीसी एवरीडे है, लीगल एप्टीट्यूड भी एवरीडे ही पढ़िए। एक बार बिजनेस एनवायरनमेंट मंडे ट्यूसडे वेंसडे पढ़िए, और थर्सडे भी पढ़िए। फ्राइडे और सैटरडे को इस टाइम पे, ये जो आपका टाइम है यहां पे आप उठा लीजिए करंट अफेयर्स, ठीक है? तो ऐसा एक स्केड्यूल अगर आप फॉलो करें तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा। इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन में आपकी मॉड्यूल में जितने पैसेजेस हैं, सेंटेंस जंबलिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, आप उतने ही कीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह,
बहुत सारे एग्जाम्पल लीगल वर्ड्स हैं, उनको सिर्फ क्या कीजिए, रीड कर दीजिए 3 से 4 बार। अगर रीड कर लिया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों कोचिंग क्लास के साथ, उसके बाद मेक श्योर कि वीक में एक टेस्ट के लिए अपेयर कीजिए, चारों सब्जेक्ट का एक टेस्ट हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये स्केड्यूल अगर आप क्लास के साथ फॉलो करेंगे, अच्छा, उसके 15 जुलाई के बाद मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए, तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए तो बहुत सिंपल टाइम टेबल है मेरा। लीगल एप्टीट्यूड, इको प्लस बिजनेस एनवायरमेंट, देन आपका करंट अफेयर्स, देन आपका इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सो बच्चों 8 to 11, 3 to 6, बस मंडे पूरा ये पढ़ना है, ट्यूसडे सेम टाइम में पूरा ये पढ़ना है, वेंसडे पूरे टाइम में ये पढ़ना है, थर्सडे पूरे टाइम में ये पढ़ना है, ठीक है। और करंट अफेयर के साथ एक वाइवा भी करके एक पेपर है, तो वो भी आपको मॉडल में जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पढ़ना है। हालांकि इसके बारे में और क्लैरिटी अगर आती तो मैं बताऊंगा आपके साथ, बट आपके लिए बड़ा मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे बस, और कुछ नहीं, सिंपल है। 6 घंटे रोज पढ़ना है, डाउट्स वगैरह अगर आपको थियरी सब्जेक्ट्स में आते हैं लॉजिकल रीजनिंग और इकोनॉमिक्स को छोड़ के और करंट अफेयर को छोड़ के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये टेंट है इसके लिए, और आपको सिर्फ, अच्छा, ऊपर वाले बच्चों को भी बता दूं मैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आपको सिर्फ 5 दिन पढ़ना है, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। संडे का जो दिन है, संडे के दिन में आपको सिर्फ क्या करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने बस। सुबह के 2 घंटे अगर आपके टेस्ट पेपर सॉल्व हो गए तो बस आपका संडे फ्री। और ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए बच्चों, अभी ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए। अगर मान लीजिए सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को 6 घंटे नहीं पढ़ पाते, 5 ही घंटे पढ़ पा रहे हैं, 5.5 घंटे 4.5 घंटे तक भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश 6 का रखिए बच्चों। तो ये आप अगर ऐसी पढ़ाई रखेंगे, और बच्चों याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं अपनी क्लास में भी करवाता हूँ, कि सीसेट का सिलेबस काफी छोटा सा है, बट नेक्स्ट लेवल एग्जीक्यूटिव में बहुत लिखना है, बहुत लिखना है। तो बच्चों मैंने भी अपनी जो क्लासेस है, मेरी जो क्लासेस है, उसमें कम से कम 30% तो मैंने लिखवा के दिया है बच्चों को हाथ से। तो आप भी एक आदत डालिए कि लिखने की आदत से पीछे मत आइएगा, ठीक है, क्योंकि सीसेट में अगर आप कुछ भी लिखेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट, इतना बड़ा सिलेबस आ गया तो आपको एग्जीक्यूटिव में टाइम लग जाएगा, इसलिए लिखने का एक आदत डेवलप करते रहिए बच्चों। सो ये एक टाइम टेबल है, प्लीज इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। 15 जुलाई को आई विल कम विद अ न्यू टाइम टेबल।